जी हाँ, आपने सही सुना है, फ्लिपकार्ट हम लोगों को ठग रहा है। अब ये कैसे कर रहा है ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऑर्डर किया था जो कि था 16 GB का एक मेमोरी कार्ड, जो ठीक ठाक ऑर्डर डिलीवर हुआ है। उसका अनबॉक्सिंग आप अभी देख लीजिए। पैसा जो देना पड़ा 319 रुपया देना पड़ा था, ठीक है। डिलीवरी चार्ज 40 रुपीज और बाकी का इसका कीमत था 279 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरे को 219 रुपीज देना पड़ा था। तो अब कैसे ठग रहा है वो आप देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 GB मेमोरी का जो कीमत है वो कितना है, और ये 16 GB मेमोरी का कीमत है, ठीक है, और 32 GB का ये कीमत है। तो आप देखो कैसे वो ठग रहा है। अगर मैं 8 GB लेता हूँ तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है, और मैं अगर 16 GB लेता हूँ तो मुझे थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है, 32 GB लेता हूँ और कम पैसा देना पड़ता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि फ्लिपकार्ट हम लोगों को कैसे बना रहा है। तो अगर आप मेमोरी कार्ड फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो आप 8 GB मत लीजिए, आप सीधा सीधा 32 GB लीजिए, ठीक है। तो आप कम पैसे में ज्यादा अच्छा चीज आपको मिल जाएगा। बस यही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो की माध्यम से समझाना चाहता था कि आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो फ्लिपकार्ट आपको ठग लेगा, कम कीमत का चीज आपको ज्यादा कीमत में बेच देगा, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा कीमत का चीज खरीदोगे तो वो आपको कम में मिलेगा। वही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाना चाहता था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर दो। तो ऐसा ही नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।